Hey guys, good morning. आज है एले में हमारा आखिरी दिन, लेकिन आखिरी दिन है तो कुछ स्पेशल तो बनता है. आज हम लोग जा रहे हैं एक फेमस GTA स्पॉट पे. आप लोग ने डेल पेरो तो देखा ही होगा GTA में, जहाँ पे वो रोलर कोस्टर होता है एंड फिशिंग करते हैं. थैंक यू. नहीं मैं पहले बोलती हूँ. तो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, थोड़े बहुत फ्रूट्स खा रहे हैं. दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे. इस पे फोटोज क्लिक करूंगी मैं. आपको पता है कल हम लोग जब शाम को बाहर गए थे तो मैंने एक कार देखी और उसके ऊपर ना कुछ ऐसा जैसे सैटेलाइट होता है ना, गोल 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 घूमता रहता है, काइंड ऑफ वैसा कुछ लगा हुआ था. तो मैंने मेरे ड्राइवर को पूछा कि भैया ये कौन सी गाड़ी है, तो उन्होंने बोला मैम इसमें ड्राइवर नहीं होता. मैं एक मिनट के लिए शॉक हो गई थी. मैंने बोला गाड़ी है और ड्राइवर नहीं है तो कैसे चल रही है, और उसका स्टेयरिंग व्हील भी अपने आप मूव होता है. वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अभी चल के. ब्रेकफास्ट करके बाहर आते ही हमें स्पोर्ट्स अवार्ड्स की पूरी टीम मिल गई. सबको गुड मॉर्निंग विश किया, हाय हेलो किया एंड बताया कि हम ड्राइवर लेस कार में जाने वाले हैं. एंड हमें इस ट्रिप पे पांडा पबजी ने भी ज्वाइन किया. और ये आ चुकी है हमारी वेमो, द ड्राइवर लेस कार. देखते ही मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी. भाई इसके अंदर कोई नहीं. सो अभी हम लोग यहाँ से अनलॉक करेंगे. करो अनलॉक. गाड़ी में बैठते ही टार्जन द वंडर कार वाली फील आ गई. गुड मॉर्निंग फायर. शुड आई स्टार्ट द राइड गाइस? पांडा आर यू रेडी? आई एम सो रेडी. वो इट्स सो फकिंग कूल गाइस. सीट बेल्ट का भी साइन आ गया. और ये देखो भाई गाइस, नो ड्राइवर. ओह माय गॉड इट्स सो फास्ट. दैट्स फास्ट. इट्स सो फास्ट. अभी हम लोग सिग्नल पे रुके हैं. आपको पता है ये डिस्प्ले पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हमारा ड्रॉप ऑफ टाइम क्या है, हम कितने बजे लोकेशन पे पहुंचेंगे, और तो और हम इसमें सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते थे, वो भी अपने पसंद के. और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे. मैप व्यू में जाके हम अपना पूरा रूट देख सकते हैं. ये तो बहुत ही कूल है. इसमें आप टेम्परेचर देख सकते हो. अगर आपको गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अबाउट दिस कार में देख सकते हैं. राइडिंग टिप्स भी आपको इसमें मिल जाएगी अगर आप पहली बार बैठ रहे हो. और कैमरास इसमें हमेशा ऑन होते हैं, सिर्फ माइक्स ऑफ हो सकते हैं, वो भी जब आपको ज़रूरत हो. मैं जिस कार में थी उसकी आप लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं, इसका मॉडल देख सकते हैं एंड हमारी करंट लोकेशन भी देख सकते हैं. ये सारे फीचर्स तो बहुत ही कूल थे. एंड स्पेशली ये गाड़ी जैगवार थी, मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं एक जैगवार वो भी AI कंट्रोल्ड कार में बैठी हूँ. वैसे ये कार का इंटीरियर एक नॉर्मल कार की तरह है, बट ये कार बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये आपको रिकॉर्ड करती है. आपके सारे एक्शंस इस कार के अंदर रिकॉर्ड होते हैं. एंड कभी भी आप LA या सैन फ्रांसिस्को में रहो तो ये कार में ज़रूर घूमना. इसके लिए आपको बस एक ऐप की ज़रूरत है जिसका नाम है वेमो. आप वो डाउनलोड करो एंड विद इन 7-8 मिनट्स आपकी कार पहुँच जाएगी. ये बिल्कुल उबर या ओला की तरह काम करती है. सोचो ये गाड़ी अगर इंडिया में आ गया तो लोग गाली किसको देंगे? सच में रोबोट को गाली देंगे फिर. ये तेरी पे... अबे ड्राइवर का है? बट ये कोई हॉरर वीडियो शूट करने के लिए कितना सही रहेगा भाई. इफ यू वांट टू शूट अ हॉरर वीडियो वी कैन यूज दिस कार राइट. हॉरर वीडियो? या व्हाट टाइप ऑफ हॉरर वीडियो? Like a ghost is driving the car. You see, we go to a village and it's in loop. So आप अभी staring देखना कैसे move होगा? So अभी हम लोग जा रहे beach side यहाँ से. सारी गाड़ियों में driver है, हमारी गाड़ी में नहीं है. दुनिया से सारे लेडी ड्राइवर खत्म हो जाएंगे. यहाँ पे कैमरा है और वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है जितनी भी हरकतें हम कर रहे हैं इनकी गाड़ी में. कुछ चुराए ना इसीलिए. हमारा है GTA वाला गैस स्टेशन. कैसे पता?
बिकॉज GTA में जब हम जाते हैं बीच साइड तो सिमिलर रोड्स होते हैं, सेम ऐसे ही विलाज है वहाँ पर, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. तो जो गेम खेलता होगा, जो GTA RP खेलता है या नॉर्मल GTA भी ऑनलाइन आपने खेला है, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट. जो नॉर्मल घर है हमारे ऐसे ही होते हैं, GTA में अपार्टमेंट्स जो होते हैं, एंड देन बीच साइड पे भी अपार्टमेंट्स हैं काफ़ी सारे. और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा GTA वाला जो डेल पेरो है वहाँ पे, बिना किसी ड्राइवर के. आई विश ऐसा GTA 6 में आ जाए भाई, क्रेजी हो जाएगा. मुझे लगता है कि ये लोग GTA 6 में दे विल ऐड दिस. व्हाट डू यू थिंक? ओह या 100%. इट्स इजी टू रॉब अ कार लाइक दिस इन GTA नाउ. अभी ये गाड़ी हमारे आगे है, वो पार्किंग कर रहा था तो ये स्लो हो गया. इट्स ऑसम. ओह बाय. आफ्टर दैट लव डे. Then shot. बीप करना पड़ेगा. मिली क्या सिखा दिया आपने? Oh my. Oh my Benzo. Gandu love that Benzo. I'm not sure what I'm saying. Do you know? No, not really. But you say it with so much passion. Passion, yeah. Right from my heart. It's like you mean it. Friend, how you doing? Okay. तुमने सुना how to exit? सब कुछ ले लो. थैंक यू सो मच. बाय वेमो. मस्त है यार ये. टू गुड. हम लोग आ चुके हैं हमारे GTA स्पॉट पे. ये सैंटा मोनिका पर हमारे गेम में जो होता है डेल पेरो, सैंटा मोनिका पियर, डेल पेरो पियर होता है हमारे GTA में. आई विश क्यूट सवा. आई विश मेरे पास यहाँ पे एक पेट होता. लंदन में ऐसी वेदर होता है, आपको पता है? गाइस आज का वेदर भी इतना अच्छा है, मतलब हम जब से आए थे इट वॉज वेरी सनी, बट नाउ इट इज सो नाइस. एकदम क्लाउडी है और अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, प्रॉपर लंदन वेदर. अरे कितने डॉगीज है, कितने क्यूट क्यूट डॉगीज है यार यहाँ पे. तो आ रही है ना GTA वाली वाइब आ रही है, फुल कार पार्किंग, फुल GTA वाइब्स आ रही है गाइस. देखो ये अपना बीच साइड, दिस इज द स्पॉट. हम लोग यहाँ पे फिशिंग करने आया करते थे यार आरपी वाले दिनों में. हाँ यहाँ से सीधा जाके लास्ट स्पॉट जो है ना वहाँ पर करते थे. सी फूड फ्रॉम हियर, वी कैन बाय द फिशिंग रॉड इन गेम, सो वी कैन गो टू फिशिंग ओवर देयर. देयर मस्ट बी सो वियर्ड, लाइक इट मस्ट फील लाइक यू काइंड ऑफ लाइक इन द गेम. या इट्स आई एम फीलिंग लाइक दैट. या इस यहाँ पे मैं अपने एक बार डेट पे आई थी गेम में, और यहाँ से हम लोग शॉपिंग करते थे फिशिंग के लिए, फूड सी फूड, एंड देन जो फिशिंग रॉड होती थी यार, एकदम ऐसा गेम वाली फील आ रही है इन रियल लाइफ. GTA का मेरे को एक चीज़ याद है, भले ही मैंने 12-13 साल पहले खेला था, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे कैंडी फ्लॉस मिलता है, और GTA में मैंने देखा था, ये देखो कैंडी फ्लॉस है यहाँ पे. चलो लेट्स बाय सम. गाइस कृतिका और मेरे लिए मैंने एक गिफ्ट लिया है, ये हमारे गेमिंग चेयर के लिए, बैक साइड पे लगाने के लिए, वैसे तो ये अपना हेड कवर करने के लिए, बट यस. विल यू, आप क्या ले रहे हो? ट्रॉफी. ओके, कैन यू बाय समथिंग? नो आई थिंक आई एम गुड. आर यू गोना बाय समथिंग? या आई एम गेटिंग दिस फॉर माय गेमिंग चेयर. फॉर गेमिंग चेयर? या इज इट कोल्ड? नो, इट लुक्स गुड, इट लुक्स क्यूट. Oh, it's the one with the airs, right? Yeah. Oh, I see. Yeah. So I'm getting one for my friend and one for me. I can get this for him. That one? Size is actually same size. Just buy this one for him. Why? Why? He, it's cute. But he's not a girl. Wait, you don't need to be a girl to have a pickup. So, look at that! Look at that! Bro, that's such a funny timing, though. That's yeah. No, it's adjustable. Actually, we can prepare. कैसा लग रहा है? Pink, नहीं. You? No pink. So, you don't like it? No, I'm blue with it. अभी पैनर ने बोला आपको ये gift करने हैं.
I'll take the pink one. This is good actually. Are you sure there's no bigger size? Because it's not fitting me right here. We can like start from the back it? Side. It's adjustable. Yeah. Yeah, it is. Yeah. The size is adjustable. Yeah. But I want like bigger. I like this. Like here? No. There's this one here. There we go. इस एलए की वाइब ही अलग है यार, हर जगह म्यूजिक बजते रहती है यार, मतलब खाली फुकट टाइम पास के इधर आना चाहिए था। सब थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू। ये कैसे, हाउ इज दैट हैपनिंग? आई वाज लाइक इट्स लाइक द कार। यू शुड गेट दिस। इनली मैंने पांडा को दिला दिया ये। आई बॉट इट नाउ। वेल आई एम बाइंग इट या बिकॉज़ ऑफ वाओ यार, पॉपकॉर्न ये सब गरम नहीं होगा बट मजा तो आएगा यार यहाँ पे खाने। और वो देखो हेलीकॉप्टर, वो चेज हो रहा है, चेज या चेज हो रहा है। Get over here, fool. सो हमारी ड्राइवरलेस कार वापस से आ चुकी है, सेल्फ ड्रिवन, एंड यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। अनलॉक, लेट्स गो। यू गो फर्स्ट, यू वांटेड टू सिट ऑन दैट साइड, दैट्स ओके, यू कैन गो दैट साइड एक्चुअली, यू सिट इन द फ्रंट, सिट इन द फ्रंट, सिट इन द फ्रंट, यू कैन सिट इन द फ्रंट। गाइस नसीब हो तो हमारे जैसा, हमने घूम भी लिया। यू हैव टू स्टार्ट द राइड, यू कैन सर, या कि मैं पीछे बैठी हूँ। सो हम लोग ने जो राइडर सपोर्ट है वहाँ पे कनेक्ट किया है, देखते हैं क्या बात होती है हमसे। तो मैं भी पीछे बैठी हूँ ताकि आपको इधर से एक अलग व्यू मिल पाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी अलग गाड़ियाँ जा रही है और जो आजू बाजू लोग वॉक कर रहे हैं, इसमें सब कुछ रेंडर होता है। इट्स AI, भाई AI से गाड़ी चल रही है यार, कहाँ पहुंच गया। और हमारे यहाँ पे AI से लोग किस कराते लोगों को, AI से ChatGPT करा। गाइस आज लास्ट डे है, मैं मन तो नहीं हो रहा जाने का, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दिन और एक्सटेंड कर लेना चाहिए था। बिकॉज आज अभी जब हम यहाँ पर गए पियर पे, इट वॉज अ डिफरेंट वाइब, ऐसा टूरिस्ट वाला फीलिंग आ रहा था और बहुत कुछ था वहाँ पर देखने के लिए। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड इट वॉज फन, और मजा आया। इट वॉज गुड, गुड ट्रिप, गुड एंडिंग, गुड, वेरी गुड एंडिंग। मैंने पता नहीं, मैं रात को व्लॉग एडिट कर रही थी और उसके बाद रैंडमली मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने पूरा लाइक ऐप सर्च किए, फिर कैसे बुक करते हैं सब कुछ मैंने फिगर आउट किया, एंड फाइनली मतलब हो गया यार। मुझे एक साइबर ट्रक भी रेंट करना था बट उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे और आधे दिन के लिए, हाँ, और आधे दिन के लिए वर्थ इट नहीं था। अराउंड लाइक $1000 लग रहा था मुझे एक दिन का, और मैं वैसे भी 4 घंटे में निकलने वाली थी, प्लस इसका ड्राइविंग थोड़ा अलग होता है। सो मतलब एंड यहाँ पे लाइसेंस भी नहीं है हमारे पास, सो साइबर ट्रक रेंट करके कोई फायदा नहीं होता। बट दिस वॉज एन एक्सपीरियंस, क्या गाड़ी निकाली जगुआर ने, AI, सेल्फ ड्रिवन, टू गुड, मतलब द कूलेस्ट थिंग मैंने ये ट्रिप पे जो देखी है वो ये कार है। इट्स टू गुड, कितना आगे पहुंच चुकी है दुनिया। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, सी दिस, दिस आर यू नॉट गोना स्टॉप, ऑलवेज। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी फ्लाइट में, टेक ऑफ हो गया है और मैंने अपनी सीट अपग्रेड की थी बिजनेस क्लास। मुझे लग रहा है वर्थ इट है, इतने भी पैसे लगे बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें मिला एक नाइट वेयर, नाइट सूट, इसको लाउंज वेयर बोलते हैं। देन एक हमें मिला है बुल्गारी का किट बैग, तो इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और मेरी सीट में क्या क्या चीज़ें हैं आसपास और क्या क्या फैसिलिटीज मुझे मिली है, मैं आपको सब दिखाती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें फ्लाइट में मिला ये लाउंज वेयर, जो कि स्मॉल मीडियम साइज़ वाले पहन सकते हैं। ये एक नाइट सूट की तरह होता है क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी है, हमें 16 घंटे फ्लाइट के अंदर बिताने हैं। इसके साथ ही हमें बहुत ही फेमस लग्जरी ब्रांड का किट बैग मिलता है बुल्गारी, आपने इसके वॉच एंड ज्वेलरी तो देखे ही होंगे। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक फेस इमल्शन, एक मिनी परफ्यूम, बॉडी लोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक लिप बाम,
एंड कुछ टिश्यूज और एक डिओड्रेंट। एंड मेरे सीट के बाजू में एक मिनी स्टोरेज है जहाँ पर मैं अप टू 10 kgs का चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड हमें यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस भी मिलता है और एक ब्लैंकेट भी मिलती है ताकि मैं पैर लंबे करके आराम से सो सकूँ। और मुझे एक आई मास्क एंड स्लिपर्स भी मिले। मैंने सोचा था स्लिपर्स नहीं मिलेंगे इसलिए मैंने अपने कैरी कर लिए, बट ठीक है ये मैंने अपने साथ रखे। और मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम था। हमें हेडफोन्स दिए गए थे ताकि हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें एंड स्क्रीन में चुपचाप अपनी मूवीज़ देख ले, गाने सुन ले या फिर न्यूज़ सुन ले, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्शन भी मिलता है जिसे कहते हैं ऑन एयर वाईफाई। मतलब यार बेस्ट लाइफ है ये। उसके बाद एयर होस्टेस ने मुझे फूड मेन्यू दिया जिसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, टी, कॉफ़ी, मॉकटेल्स, आप कोई भी ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, एंड कॉकटेल्स भी थे जो हम नहीं पीते हैं, वाइन भी थी जो कि मैं नहीं पीती हूँ। बट हाँ, इंडियन फूड ऑप्शन बहुत कम थे। अगर आप कभी भी एमिरेट्स में इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो आप अपना मील प्री बुक कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपना इंडियन मील या फिर जो भी आपका प्रेफरेंस है वो प्री बुक कर, अगली बार से मैं भी ध्यान रखूंगी। बट हाँ, वेज में मेरे लिए थोड़े कम ऑप्शंस थे तो मैंने थोड़े लाइट बाइट्स में से आलू काटी रोल मंगवा लिया एंड उन्हें बोल दिया कि आप जो भी मेरे लिए वेज में ला सकते हो लेके आ जाओ। बाकी मेन्यू में ब्रेकफास्ट भी था और स्नैक्स भी थे। एंड आपको पता है मेरे सीट के थोड़े ही पास में लाउंज भी था जहाँ पर मैं जाकर बैठ सकती थी, खाना खा सकती थी और एकदम चिल कर सकती थी। सो ये रहा हमारा लाउंज। ये वीडियो मैंने क्लियरेंस के बाद शूट किया था इसलिए आपको ड्रिंक्स के बॉटल नहीं नज़र आ रहे होंगे, बट हाँ यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स होते हैं एंड आपको स्नैक्स भी मिलते हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे ये साइड टेबल टाइप का हम कह सकते हैं जहाँ पर मैंने अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है जैसे कि मेरा कार्ड, पासपोर्ट। एंड यहाँ पे साइड में एक मिनी स्टोरेज था जिसपे पानी की बॉटल थी और कुछ छोटे मोटे स्नैक भी थे, साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट मिलता है, हेडफोन पॉइंट है। एंड साइड में ये टच स्क्रीन रिमोट है जिससे आप अपना डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो और ये डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा प्री डाउनलोडेड मूवीज़, ऑडियोज एंड एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक्ड है। ये सारे बटन्स आपकी सीट को एडजस्ट करने के लिए है। एंड मुझे इस फ्लाइट में मैट्रेस एंड पिलो भी मिला था, बहुत ही कम्फर्टेबल था। सो ये आ चुकी है मेरी वेज मील जिसमें था एक आलू काटी रोल, कुछ ब्रेड्स एंड देन साइड में तो मुझे पता नहीं ये सब क्या था और एक सैलेड भी था, तो खाना तो काफ़ी टेस्टी मिला है। मूवी देखते हुए मैंने अपना मील ख़त्म किया एंड ऑनेस्टली गाइस खाना बहुत ही टेस्टी था, इतना टेस्टी कि खाते ही मुझे नींद आ गई। सो 9 घंटे सोने के बाद मुझे पता चला कि मैं सीधा दुबई पहुंच गई हूँ एंड दुबई से मेरी फ़्लाइट थी मुंबई के लिए, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी रिकॉर्ड करने की। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो एंड मतलब ड्राइवरलेस कार और इतनी अच्छी फ्लाइट तो मैंने बहुत इन्जॉय की। मैं ऐसे ही आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।